तो गाइस थगेश ने अपने चैनल पर रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि गाइस थगेश ने मनीषा रानी को बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया। और आप सभी को तो गाइस ये चीज पता होगा कि अभी मनीषा रानी के बीच में एलविस यादव के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इन दोनों के बीच में गाइस बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन अभी के टाइम में गाइस एलविस यादव और मनीषा रानी एक साथ प्ले ग्राउंड सीजन 3 में जा रखे हैं, लेकिन वहां पर गाइस इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला है। एंड यहां पर गाइस थगेश ने अपने चैनल पर रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि उन्होंने मनीषा रानी को बहुत ही बुरी तरीके से कर दिया। मैं आपको उस वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो। थगेश एंड मनीषा के रील कोलैब ने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की भी हाइप क्रॉस कर दी। इतनी हाइप तो किसी लॉन्ग फॉर्म के कोलैब में भी नहीं आती। एक यूट्यूबर का कोलैब किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, तभी बहुत बड़ी हाइप बनी थी। लास्ट टाइम जब यह हुआ था एक बंदा पिटा था, यस, फिर उसने म्यूजिक वीडियो में पिटने वाला शॉट दे दिया सिनेमैटिक। पर थगेश भाई पहली बार ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड किए बिना कैंसल हुए। एक ध्रुव राठी है जिसको ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए सीधा सरकार से पंगा लेना पड़ा।